किसी की परवाह नहीं, लेकिन वहां केदार की पत्नी तो उसकी राह देखती है। पत्नी का सहयोग भी तो कोई चीज होती जो आप बुझा नहीं सकते, वो लगाते क्यों? तुम्हारी ये तपिश हमें जला के राख ना करती। मर्द होकर डरते हो? पुराने जमाने में औरतें पतिव्रता हुआ करती थी। माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकती। आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है पंडित जी। और रुपयों का भी, पूरे 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। केदार, ब्याह शुरू करो। नहीं उमा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं पूछती हूँ, क्या हो गया है आपको? क्यों इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? संगीत समारोह में जाना नहीं चाहते, छात्रों को रियाज नहीं कराते। आखिर इरादा क्या है आपका? हमें भूखों मरवाना है क्या? जाओ सावी, जाओ। उमा, उसे भी अपने साथ ले जाना। चलो सावी, बाहर चलते हैं। अपने साथ साथ केदार की भी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। 2 साल से बेचारा इसी आशा में धक्के खा रहा है कि आपकी संगत में उसे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ नाम बनेगा। लेकिन लगता है उसकी किस्मत में तबले की जगह अपना सिर पीटना लिखा है। मुझे जरा चैन से बैठने दो सुलक्षणा। देखिए, अगर आप इसी तरह मनमानी करते रहे ना, तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। वैसे भी आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लो, चले गए। सावी, तुमने कभी ड्रामा देखा है? ड्रामा नहीं। मेरे डैडी ड्रामा कंपनी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो ड्रामा कंपनी का मालिक होता है, उसमें पैसे लगाता है। मैं तुम्हें किसी दिन ड्रामा की रिहर्सल दिखाने ले जाऊंगी। विशाल नाम का एक बहुत ही अच्छा एक्टर हमारे ड्रामा में काम करता है, हीरो का। देखो, मैंने उसके कितने सारे ऑटोग्राफ ले रखे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। पंडित जी, सुलक्षणा। केदार, कितनी देर कर दी, इन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स वापस भेज दिए। क्या करता, कमल ने घर से निकलते वक्त मेरी जान खाना शुरू कर दिया। केदार, हमको किसी भी तरह से इन्हें पूना के समारोह के लिए तैयार करना होगा, वरना एक अच्छा खासा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो तो निकल ही गया समझो। क्या मतलब? एक तरफ पंडित जी पूना जाने में आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में कमल के भाई की शादी आ पड़ी है और वो मुझे अपने साथ चलने की जिद कर रही है। केदार, क्या हम कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे? सुलक्षणा, नमस्ते देवी जी। नमस्ते। आप? मेरा नाम द्वारकानाथ त्रिवेदी है। मैं पूना संगीत सम्मेलन के सिलसिले में पंडित जी से मिलना चाहता। ओह, आइए आइए। पंडित जी घर पे हैं? हाँ हाँ, आइए बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ उनको। बैठिए। सुनिए, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। अरे, आप तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। नमस्कार पंडित जी, मैं द्वारकानाथ त्रिवेदी पूना का रहने वाला हूँ, आपके बहनोई साहब गोविंद बाबू का दोस्त, द्वारका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और पूना में होने वाले संगीत समारोह का आयोजक और प्रायोजक भी। तशरीफ रखिए, फरमाइए। जी बस आपको बताने आया था कि परसों सुबह निकलना है, मैं आपको लेने आऊंगा।
माफ कीजिए द्वारकानाथ जी, मैं नहीं आ रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमारे सेक्रेटरी बद्री प्रसाद जी तो आपसे सहमति लेकर गए थे। नहीं द्वारकानाथ जी, मैंने बद्री प्रसाद जी से यही कहा था और आपसे भी यही कह रहा हूँ, मैं पूना के प्रोग्राम में नहीं आ सकता। नहीं पंडित जी, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके चाहने वालों को बहुत निराशा होगी और आपकी इमेज को भी बहुत धक्का लगेगा। फिर हमारी संस्था ने जो पैसा खर्च किया है वो पानी में मिल जाएगा। भाभी जी, आप इन्हें समझाइए ना। आप परसों गाड़ी ले आइए और इन्हें ले जाइए। आप मुझे जबरदस्ती यहां से ले जा सकते हैं, गाने पर मजबूर नहीं कर सकते। आपके बहनों ने तो हमें बहुत आश्वासन दिया था, लगता है अब उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। बच्चे की हैंडराइटिंग तो देखो, भगवान जाने बड़ा होकर क्या बनेगा। डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। डॉक्टर? तुम तो कुछ भी बोलते। लेकिन सच बोलता हूं, मैंने अक्सर देखा है जो लड़के बचपन में हिसाब किताब में गड़बड़ करते हैं ना, वे बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। अरे जिन लड़कियों को सीधी तरह चलना नहीं आता वे लड़कियां बड़ी होकर डांसर बन जाती हैं, और जो लड़के बचपन में शरारत करते हैं ना वे लड़के बड़े होकर नेता बन जाते हैं। तुम्हारे भाई साहब को ही देख लो, आज कितने बड़े गायक। जरूर वो बचपन में बात बात पर रोते रहे होंगे। भैया के बारे में इस तरह कहते हुए शर्म नहीं आती है? कितने बड़े हैं वो। अरे नाराज क्यों हो रही हो, तुम्हारे भाई साहब मेरे साले भी तो हैं। बचपन में रोते थे इसीलिए गायक बन गए? कुदरत का नियम बता रहा हूँ। इस नियम के मुताबिक तुम्हें तो रेल का इंजन होना चाहिए था। क्यों? धुआं जो छोड़ते रहते हो हमेशा। तुम एक बात भूल जाते हो, मैं फैक्ट्री का मालिक भी हूं और इस धुएं का ताल्लुक उस धुएं से है। अब चुप करो, मैं पेपर जांचने में गलती कर रही हूं। गलती तो तुमने टीचर बनने में की है, पता नहीं कितने छात्रों का भविष्य बिगाड़ रही हो। तुम्हारा तो नहीं बिगाड़ा ना, उल्टा जब फटीचर थे तब ये टीचर ही काम आई थी। अच्छा, और नहीं तो क्या, आज आप जो भी हैं उसकी बुनियाद में मैं हूं। रहने दो, क्यों मेरा मुंह खुलवाती हो? क्या मतलब? मैंने जो स्टील के बर्तनों का कारखाना लगाया है वो सिर्फ मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। और उसके लिए जो मैंने अपने सोने के कंगन तुड़वाए थे उसका कोई मोल नहीं? तुम्हारे वो सोने के कंगन तो उसकी बुनियाद के पत्थर में ही घुस गए थे। इसीलिए तो कहती हूँ, आज आप जो भी हैं उसकी बुनियाद में मैं हूँ। अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, कामयाबी के कई बाप होते हैं। एक माँ भी होती है जो मैं हूँ। ठीक है, मां बनने का शौक इसी तरह पूरा कर लो। May I come in, sir? Yes, Anita, you are just in time. Of course, for the tea. अनीता, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो आप रोज ही कहते हैं सर। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? आप मेरे बॉस हैं सर। खूबसूरत लड़कियों का कोई बॉस नहीं होता, वो खुद ही सबकी बॉस होती है। काश ये बात मेरे हस्बैंड को कोई समझा पाता। खूबसूरत लड़की को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उनका हुस्न फूलों की तरह होता है, शादी की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं सर। उनके आने से चेहरे पे जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। सर चाय में चीनी कितनी डालूं? आजकल मैं बगैर शक्कर की चाय पीता हूँ। आप अपनी उंगलियां मेरी चाय से दूर रखिएगा वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगी। यू आर टू मच सर। साहब द्वारकानाथ जाए हैं, उन्हें फौरन अंदर भेज दो। ठीक है। अनीता, द्वारकानाथ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर
द्वारकानाथ जी आ रहे हैं। यू मीन हमारे न्यू क्लाइंट सर? यस, यू मे गो नाउ। ओके। नमस्ते गोविंद जी। नमस्ते। आइए आइए द्वारकानाथ जी आइए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारी मुलाकात तो आपके पूना सम्मेलन के बाद होने वाली थी। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। एनी प्रॉब्लम? यस। क्या प्रॉब्लम है? आपके साले साहब ने संगीत समारोह में आने से इनकार कर दिया। What? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है गोविंद जी। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये तुम मुझे कहां ले आए हो गोविंद? दिल की बात जुबा पर लाने के लिए इससे बेहतरीन और कोई जगह नहीं है। तुम तो जानते हो मैं पीता नहीं हूँ। ये ग्लास भी मेरे लिए है। यहाँ इसलिए रखवाया है कि आप इस महफिल में अपने आप को अजनबी न समझे। चीयर्स। तुम कुछ कहना चाहते थे? साले साहब, द्वारकानाथ जी बता रहे थे कि आप संगीत समारोह में नहीं जा रहे हैं। क्या यही पूछने के लिए तुम मुझे यहां ले आए हो? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो कौन सी वजह है जो। देखो गोविंद, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसमें तुम दखल न दो तो अच्छा है। मुझे दखल इसलिए देना पड़ रहा है कि मेरा 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गया है। मेरे पूना संगीत समारोह में न जाने की वजह से? हाँ, क्योंकि द्वारकानाथ जी जो सुबह आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, वो एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो मेरे जरिए आपके पास आए थे। अगर आप एन वक्त पर उन्हें धोखा देंगे तो इसका सीधा असर मेरे बिजनेस पर पड़ सकता है। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है भाई साहब? कुछ बातें बहनोई के साथ डिस्कस की नहीं जाती गोविंद। आई एग्री विद यू। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं अपने साले से डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ अपने बिजनेस से अलग रखनी चाहिए। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं गोविंद, कलाकार हूं, सृजनशील कलाकार हूं। तानपुरा अगर सुर में न हो तो मैं बेसुरा गाने लगता हूं। कौन सी कंपनी का तानपुरा चाहिए आपको? आप मुझे बताइए, मैं 100 तानपुरे आपके सामने रखवाता हूं। लगता है गोविंद, तुम्हारे और मेरे सुर कभी नहीं मिलेंगे। वर्जित सुर लगाने से राग बिगड़ जाता है। मैं चलता हूं, नमस्ते। क्या कहा पंडित जी ने? लगता है क्लाइंट के साथ और नेगोशिएट करना पड़ेगा। खाना लगा दूं या भाई साहब के साथ खाकर आए? क्या कह रहे थे गोविंद भाई साहब, समारोह के बारे में क्या तय हुआ? मत जाइए, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं तो बस इस घर के भविष्य के बारे में सोच रही थी। यह हमारा घर आपकी कला साधना के बल पर तो चलता है, और महंगाई तो देखिए दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। घर में जितना पैसा आए उतना कम पड़ता है। आप संगीत समारोह में नहीं जाएंगे, ये संगीत विद्यालय बंद कर देंगे तो ये घर कैसे चलेगा? सावी के बारे में तो कुछ सोचिए। भगवान ना करे अगर आपको कल कुछ हो जाए तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? किसके आगे हाथ फैलाएंगे हम? आपके अलावा हमारा है ही कौन? से बहुत नाराज है। उस दिन मेरा दिमाग फिर गया था, मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
आप सब कुछ भूलकर पूना के समारोह में चले जाइए ना। मैं भी 4-5 दिन माँ की सेवा में गुजार दूंगी। हाँ, सावी की स्कूल की समस्या है, उसे हम उसकी बुआ के घर भेज देंगे। आप सुन रहे हैं ना? Sagama sama maga sagama dada maga badani mama ni nida maga ga badani ga 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 nida nida dani nida ga 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 nida ni ga 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 nida dani dani nida maga badani sa sa ni nida da mama ga ga sa saga saga bada ga ga dada maga badani mama ni nida maga ga badani ga 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 nida nida ni ma sa nida maga ma sa maga sa nida ga ma da nida saga maga jaga ni nida 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 sa ni ga ga ma ni nida maga ma sa ga ma da nida saga ma da nida saga ma da nida गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। वाह पंडित जी वाह, आज तो आपने रियाज में महफिल का रंग भर दिया। कल आपका क्या मूड था और आज क्या है? बधाई हो पंडित जी, बधाई हो। किदार, कल सुबह ठीक 9 बजे हमें निकलना है पूना के संगीत महोत्सव के लिए। क्या कहा, आप पूना जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या बात है? परसों कमल के भाई की शादी है, आप समारोह में नहीं जा रहे थे इसलिए मैंने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। नहीं नहीं, अगर तुम दिल्ली चले गए तो इनकी संगत कौन करेगा? वैसे भी माँ की बीमारी के कारण मैं इनके साथ नहीं जा पा रही हूँ, ये तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा सुबह ठीक 9 बजे। नमस्ते नमस्ते, आओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर पूना फेस्टिवल। थैंक यू। तैयारी हो गई? बस केदार के आने की देर है। अच्छा, सावी गई है उसके घर पे? अरे हाँ माधवी, अच्छा होगा तुम आ गई। सावित्री को तुम अपने साथ घर ले जाना। क्यों, भाभी भी जा रही है आपके साथ? नहीं, जाना तो चाहती थी मगर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके देखभाल के लिए वो जाना चाहती है। उसके लौटने तक सावित्री तुम्हारे घर में रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। केदार चाचा तो घर पर नहीं है। उनके घर पर तो ताला लगा हुआ है, इसका मतलब वो दिल्ली चला गया। कैसा अजीब आदमी है, इतनी बार कहने के बाद भी। आप क्या करें पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक अर्ज करूं, पूना में भी एक से बढ़कर एक तबला नवाज है, अगर आप उन्हीं में से किसी को। लगता है वैसा ही करना पड़ेगा। लक्षणा, अपना ख्याल रखना। आप आइए पहले। चलो Thank you.
अपना तन मन सारा जीवन कर दिया मैंने तुमको समर्पण, तुम बिन कोई और नहीं है अब तो मेरा सहारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। फिर से दे दो वो अपनापन, वो सपनों का सुंदर मधुबन, किस पर मोहित होकर तुमने प्रियतम मुझे बिसारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। पंडित जी, इस कार्यक्रम की सफलता में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। सारे श्रोतागण, सारे पत्रकार सब आपकी ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक बात का दुख सबको जरूर है कि आप एक दिन जल्दी निकल आए। हसरतें